वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, खुश हैं। और मेरी प्यार की बेटी को देखकर ना माशाल्लाह कह दिया करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें प्लीज़। दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मैं यहाँ बना रही हूँ आलू कीमा। मैंने सोचा आज प्रेशर कुकर में बना लेती हूँ ताकि जल्दी बन जाए, क्योंकि मुझे दो डिशेज बनानी है, साथ में बनानी थी इसके मैं टुकड़े। अच्छा, इसमें मैंने अनियन डाली है, साथ में जाएगा इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट और लौंग, काली मिर्च और सारे बेसिक मसाले, अपनी हल्दी मिर्च, धनिया, और साथ में जाएगा सॉल्ट, थोड़ा सा ऑयल। उसके बाद मैं इसे प्रेशर कुकर में रख दूँगी ताकि जल्दी से बन जाए। अच्छा, टुकड़े मुझे बनाने हैं। टुकड़े बनाने के लिए ना पहले से ही सारी तैयारी करनी पड़ती है, मतलब उसमें सारा ना लेफ्ट ओवर जाता है, लाइक कौरमा जाता है और चने की दाल है, कीमा है, तो ये सब उसमें जब जाता है ना तो उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा निकल कर आता है। तो इस वजह से मुझे पहले से ही रेडी कर होना पड़ता है कि मैं पहले कीमा बना लेती हूँ, फिर चने की दाल बना लेती हूँ, उसका जो लेफ्ट ओवर होता है ना मैं रख देती हूँ। और कौरमा मैं नहीं बनाती क्योंकि मुझे मम्मी के हाथ का पसंद है, तो जब भी मुझे टुकड़े बनाने होते हैं ना तो मैं कौरमे की ग्रेवी बना लेती हूँ। हालाँकि मैं दूसरी बार बना रही हूँ, इससे पहले मैंने एक बार और बनाए थे जो बहुत अच्छे बने थे, तो अभी आगे उसकी भी दोबारा रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ ना मैंगो कट करके दे रही थी मैं हिदायत को। हिदायत जब भी मेरे से कुछ भी खाने के लिए मांगती है ना, मैं फ़ौरन से उसे दे देती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल डिले नहीं करती, क्योंकि वो फ़ौरन से मूड पलट लेती है और खाने के लिए मना कर देती है। जैसी हिदायत फरमाइश करती है मैं फ़ौरन से उसको पूरा करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। बच्चे नहीं खा रहे हैं आजकल के, बड़ा परेशान किया हुआ है। मुझे याद है इस एज में ना मेरे फेवरेट हुआ करते थे दाल चावल, मैं बहुत शौक से दाल चावल खाती थी। और ये बच्ची ना मेरी हाथ भी नहीं लगाती, सिर्फ राइस खाती है, दाल तो खैर वो छूती भी नहीं है। चलिए कोई नहीं, कभी अल्लाह ताला मेरी बेटी के नसीब में रिजक लिखेगा इंशाल्लाह। और जो भी वो खाती पीती है अल्लाह उससे उसमें खूब सेहत अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और यहाँ ना बड़ी लेजी लेजी हो रही थी, सो के उठी थी ना इसलिए। अच्छा, यहाँ मैं आ गई थी किचन में वापस, मेरा जो खाना था वो बन ही रहा था। अच्छा, ये ना मुझे ऐसे कूटना था मैं बताऊँ, मतलब इसको ना अच्छी तरह ना वो होता है ना अपना ओखली, इमाम दस्ता हम जैसे बोलते हैं, तो उसमें इसे कूटना होता है, तो वो तो मेरे पास है नहीं। और दूसरी बात ये है, रोटी मेरी ड्राई भी नहीं हुई थी, हस्बैंड की फरमाइश बहुत ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा चलो इसे ना इसे कट कर लेते हैं। ये टूट, ये ना मुझसे हाथ से ना मैं तोड़ रही थी तो ये टूटी भी नहीं, तो मैंने इसे सीजर की हेल्प से ना मैंने इसे कट कर लिया था छोटे छोटे पीस में। और फिर उसके बाद में इसे मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। बहुत ज़्यादा टेक्निक लगानी पड़ती है आज के टाइम में, और हम ही चाहें ना अपनी लाइफ को आसान बना लें और हम ही चाहें तो इसे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कर लें, लेकिन मज़ा ना लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करने में और अपनी लाइफ को आसान बनाने में है। अच्छा, पहले कभी ना सीज़र हर किसी के किचन में नहीं अवेलेबल होती थी। मैं खुद से जब मतलब नया नया काम करना स्टार्ट किया था और चिली वगैरह कट करनी होती थी, हम किसी के घर जाया करते थे ना तो हम किसी से मांगते थे तो वो बुरा मान जाते थे, नहीं हमारे यहाँ खेची नहीं है, हम तो नाइफ से कट करते, तुम भी किसी से कर लो। नहीं होता था भाई, नहीं होता, जब भी नहीं होता था, आज भी नहीं होता। मैं तो अपनी किचन में हमेशा से मैंने सीज़र रखी है, मैं अम्मी के भी सीज़र रखती थी, और आखिर हालांकि मेरी अम्मी नहीं रखती थी, वो भी नाइफ से कट करती थी, लेकिन जब भाई हमने स्टार्ट किया काम करना तो हमने तो अपनी लाइफ को ईजी बनाने की कोशिश करी। और मैं हूँ उन लोगों में से जो वक्त के साथ ना अपडेट और अपग्रेड होते रहते हैं, तो यही ज़िंदगी का मज़ा है, वरना फिर ना आप बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो इस मतलब आपके लिए ना बेनिफिट यही है कि लाइफ पे ना थोड़े से अपडेट होते रहें वक्त के साथ साथ, लेकिन अपने पिछले वक्त को ना भूलें तो ज़्यादा अच्छा है, वो भी एक अच्छी मेमोरीज रह जाती हैं। अच्छा जी, मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। मैंने यहाँ पे अनियन को फ्राई कर लिया था, मैं कौरमा बना रही हूँ यहाँ पर टुकड़ों के लिए। अच्छा, टुकड़े कहते हैं, पता नहीं उसे हम कुछ और नाम क्यों नहीं देते, लेकिन हमारे यहाँ ना उसे टुकड़े ही कहा जाता है। किसी और लैंग्वेज में अगर कुछ और कहते हैं तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को ना लास्ट तक ज़रूर देखा करें क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, और जब आपके व्यूज़ कम आते हैं ना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा मेरा दिल दुखता है। चले जी, मेरा यह मसाला बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से, और मैंने पूरी कोशिश करी कि मैं ये बहुत अच्छे से बनाऊं, पर ना मैं आपको हमेशा सच बताती हूँ, जो मेरी चीज़ खाना मेरा अच्छा बनता है ना वो मैं बोलती हूँ हाँ जी बहुत अच्छा बना है, क्योंकि हम इतने बड़े शेफ़ नहीं हैं कि हमसे गलतियाँ नहीं हो सकती, और मैं मानती हूँ बड़े बड़े लोगों से भी गलतियाँ होती हैं। तो खैर, ग्रेवी वगैरह मेरी बहुत अच्छी बनी थी, जो इसमें कमी रह गई थी ना, मैं आपको बताऊँ, जो मेरी रोटी थी ना सिर्फ मेरी रोटी कम रह गई थी, बाकी मेरा इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा था। असल में रोटी पता नहीं क्यों नहीं, मैंने बहुत बार तंदूर की रोटी एक्स्ट्रा मंगाने की कोशिश करी, पर
पर कभी कभी ना किसी चीज़ में बरकत नहीं होती, तो रोटी ना बच ही नहीं रही थी। मैं जब भी एक्स्ट्रा मंगाऊँ तो कभी ना कभी मतलब किसी ना किसी काम में रोटी आ ही जाती है, इस वजह से ना रोटी नहीं बच रही थी। और हस्बैंड की फरमाइश ना हद से ज़्यादा बढ़ रही थी, इसलिए मैंने बोला चलो मैं एक ही रोटी से बना देती हूँ। तो मुझे चाहिए था कि मैं थोड़ा सा जो ये सालन वगैरह नहीं कम कर लूँ, पर मैंने सभी सालन इसमें ऐड कर दिया था तो अच्छा लग रहा था। अदरवाइज़ उसमें कुछ कमी नहीं थी, खाली इसमें रोटी कम रह गई थी। तो हस्बैंड को ना बहुत मतलब उन्होंने ये था कि पहले वाला ज़्यादा अच्छा था, ये वाला ओके ओके था, तो तुम नेक्स्ट टाइम ना और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश करना। मतलब जनाब ने मुझे पहले ही ना अपनी फरमाइश बता दी कि मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से ऐसे ट्राई मतलब बनाऊँ। तो जब दोबारा बनाऊँगी दोबारा आपके साथ शेयर कर लूँगी। और यहाँ मेरी प्यारी सी बेटी ना अपना होमवर्क कर रही है, कितनी प्यारी लग रही है, देखिए गूगल वगैरह लगा के बैठी है। पहले ना वो खेल रही थी, उसके बाद उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी है। बहुत ही प्यारी लगती है माशाल्लाह। और माशाल्लाह कह दिया करे ना मेरी प्यारी सी बेटी को देखकर, कमेंट कर दिया करे। आज तो मैंने सोचा आप सबसे शिकायत भी करूँगी कि कोई भी मेरी वीडियो ना लाइक करता है, ना सब्सक्राइब करता है, ना कमेंट करता है। और मैं ना बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट होने लगती हूँ, आप लोगों की बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट कर दिया करें। मैं खुद से खुद को मोटिवेट करती हूँ कि नहीं है, मेहनत करते जाना है, इंशाल्लाह कभी ना कभी तो कामयाबी कदम चूमेगी इंशाल्लाह। चले जी, बस इतनी ही थी मेरी शिकायत आप लोगों से। तो यहाँ पे अब फाइनल बिल्कुल रेडी है, सब कुछ खाने की तैयारी चल रही है, डिनर का टाइम हो चुका है। आलू कीमा भी गर्म हो चुका था, हालांकि हस्बैंड ने सिर्फ टुकड़े खाए थे, कीमा तो उन्हें ऑफिस ले जाना था। तो अब इसमें सिर्फ मैं ये तड़का लगा दूँगी, सिंपल ज़ीरा अनियन और हींग का, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ, देखिए बहुत ज़्यादा प्यारा कलर वगैरह सब अच्छा है, सिर्फ इसमें रोटी कम थी, बाकी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। तो उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा मेरा ब्लॉग। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, और मेरी शिकायतों को नज़रअंदाज मत करिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।